Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you are healthy and happy wherever you are. So आज मैं बात करने वाली हूँ एक न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में. I won't say exactly न्यू लॉन्च, मतलब रिसेंटली लॉन्च हुआ है प्लम गुडनेस का नायसिनमाइड सीरम. नाउ प्लम गुडनेस इज अ ब्रांड दैट आई ब्लाइंडली ट्रस्ट बिकॉज मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इन इस ब्रांड के मुझे सूट हो ही जाते हैं. लास्ट मंथ ही मैंने इनका वाइटामिन सी सीरम रिव्यू किया था. आई लव डेट, मतलब इंस्टाग्राम पर जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मुझे वो इतना पसंद आया था ना कि मैंने दोबारा उसको रीपर्चेज किया था अपने पैसों से. आई लव इट, तो मैं इसको दोबारा ही ले लेती हूँ. मुझे एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है किसी और ब्रांड के साथ. सो व्हेन दे रीच्ड आउट टू मी टू ट्राई देयर नायसिनमाइड सीरम, आई वाज लाइक व्हाई नॉट, आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड लेट माय डिजिटल ऑडियंस नो क्या ये वर्थ है फिर नहीं है. सो आज मैं पूरा इसके बारे में बात करने वाली हूँ. दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद प्लम गुडनेस, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है वो 100% ट्रू होने वाला है. आई विल टेल यू इसके इंग्रीडियंट्स क्या हैं, यूज कैसे करते हैं, इसके प्रो क्या है, इसके कॉन्स क्या है, एवरीथिंग बेसिकली. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट. अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो, प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन. एंड विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सीरम का नाम है प्लम गुडनेस राइस वाटर एंड नायसिनमाइड 10% सीरम. ये कुछ इस तरह की फ्रॉस्टेड ग्लास सीरम सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग में आता है. ना ये ओपेक है, ना ये ट्रांसपेरेंट है, फ्रॉस्टेड है. सो आप हल्का हल्का देख सकते हो क्वांटिटी को बाहर से, अदरवाइज ये एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है तो प्रोडक्ट खराब होने का चांस नहीं है. बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में मत रखना, हमेशा ऐसे सीरम्स को अलमीरा के अंदर रखोगे तो बेटर रहेगा. सो परसेंटेज से आप पहचान गए होंगे इसके अंदर जो मेन हीरो इंग्रीडियंट है वो है नायसिनमाइड. अगर आपको बिल्कुल आइडिया तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा देती हूँ. ये एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म होती है विटामिन B3 की. विटामिन B3 हमारे काफी सारे खाने की चीजों में भी मिलता है, लेकिन इसको टॉपिकली लगाना भी बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, बिकॉज ये स्पेसिफिकली वर्क करता है ब्लेमिशेस के ऊपर, एक्ने स्पॉट्स के ऊपर, जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है. मतलब काफी बार आपको एक्ने एकदम अब्रप्टली आते हैं, उसके बाद जो रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसको काफी हद तक ये सूथ करता है. एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज ये पोर्स पर भी वर्क करता है. देखो जिनके बहुत ज्यादा एनलार्ज पोर्स पहले से ही है ना, जो जेनेटिक सॉर्ट ऑफ होते हैं वो तो देखो जाएंगे नहीं, वो मैं मिथ आपका क्लियर कर देती हूँ. बट स्टिल जो हल्के फुल्के पोर्स के इशू होते हैं उस पर डेफिनेटली नायसिनमाइड वर्क करता है. एंड अनदर वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का होता है, जो आपको किसी और इंग्रेडिएंट से नहीं मिलता, वो है इट रिपेयर्स योर स्किन बैरियर. काफी बार क्या होता है हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं, हमें रेडनेस हो जाती है या एलर्जी हो गई या फिर स्किन बैरियर ना एकदम खराब हो जाता है, बहुत स्किन एकदम ड्राई अजीब सी हो जाती है. मैं खुद काफी बार जो सैलिसिलिक एसिड ट्रीटमेंट यूज करती हूँ एक्ने के ऊपर अजीब सी ड्राई हो जाती है. सो उसके ऊपर नायसिनमाइड काफी अच्छे से वर्क करता है, स्किन को सूथ करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंड एट लास्ट मेरी ओवरऑल स्किन के बैरियर को कहीं ना कहीं रिपेयर करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट जो इसके अंदर हीरो इंग्रेडिएंट है वो इसको काफी डिफरेंट बनाता है फ्रॉम अदर नायसिनमाइड सीरम अवेलेबल इन द मार्केट. इसके अंदर है राइस फर्मेंट एक्सट्रैक्ट. सो अगर आप के ब्यूटी या फिर कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स को काफी ज्यादा फॉलो करते होंगे ना, आपको पता होगा वो फर्मेंटेड राइस वाटर जो मतलब बेसिकली एक्सट्रैक्ट होता है उससे अपने फेस को क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, बिकॉज वो काफी अच्छा होता है स्किन के लिए. एंड यू कैन सी कोरियंस की स्किन एकदम अलग ही लेवल की होती है. सो इसके अंदर वही जापानीज टेक्निक को यूज करके वो एक्सट्रैक्ट निकाला गया है. ये स्पेसिफिकली वर्क करता है विजिबली स्किन को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी ल्यूमिनोसिटी को बढ़ाने के लिए, शाइनी बनाता है, जो भी फाइन लाइंस रिंकल्स के इशू होते हैं उसके ऊपर भी वर्क करता है. सो अगर आपको अर्ली एज से फाइन लाइंस रिंकल्स एंड ऑल के इशू है तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है. नेक्स्ट जो इसके अंदर इंग्रीडियंट है वो एकदम परफेक्ट है ड्राई टू कॉम्बिनेशन सॉर्ट ऑफ स्किन के लिए. हाउएवर ऑयली के लिए भी मैं अच्छा बोलूंगी, बिकॉज इसको लगाने के बाद स्किन एकदम सूखी सूखी नहीं फील होती. जो है इसके अंदर स्कॉलेन, बेसिकली स्कॉलेन जो होता है वो ऑलिव से डिराइव किया जाता है. ये बहुत ब्यूटीफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, बेसिकली फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करता है, जो भी अर्ली साइंस ऑफ एजिंग होती है उसके साथ भी ये वर्क करता है. ओवरऑल बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग और नरिशिंग होता है स्किन के लिए, इसीलिए सीरम का जो ओवरऑल इफेक्ट है ना वो एकदम ड्राइंग और सूखा सूखा वाला इफेक्ट नहीं है. ऑल्सो इट हैज नेचुरल कैफीन एंड विटामिन ई, जो अगेन हमारी स्किन को सूथ करता है और जो भी इन्फ्लेमेशन होती है उसके साथ फाइट करता है. बॉक्स पर इनकी पूरी इंग्रीडियंट लिस्ट है. बेसिकली आई कैन ऑल्सो रीड लिकोराइस, अगेन लिकोराइस रूट जिसको मुलेठी भी बोला जाता है हिंदी में, बहुत अमेजिंग होती है डार्क स्पॉट्स के लिए, जो भी एक्ने मार्क्स होते हैं उसको लाइटन करने में काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट हेल्प करता है. इसके बाद सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इसके प्रिजर्वेटिव में बेसिकली हेल्प करते हैं. फॉर्मुलेशन ओवरऑल काफी सेफ है. आई कैन रीड नो पैराबेन, नो थायलेट्स, नो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, सोडियम लॉरियल सल्फेट नहीं है, जो SLS होता है वो नहीं है, DEA PABA नहीं है, एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट इसके अंदर नहीं है, बिकॉज जो प्लम गुडनेस है वो 100% वीगन और क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है. सो ये तो हो गए इसके इंग्रेडिएंट्स की बात. अब आ जाते हैं इसके टेक्सचर और एप्लीकेशन के ऊपर.
So texture of this serum is very very different from other niacinamide serum available in Indian market because इसका texture एकदम gooey, milky, creamy sort of texture है. मतलब जैसे moisturizer है लेकिन एकदम liquid form में इन्होंने बना दिया हो. Light feel होता है, बिल्कुल भी heavy feel नहीं होता skin के ऊपर. So कुछ इस तरह का ये texture है. आप थोड़ा सा अपने skin के ऊपर लो, dab dab करके अच्छे से apply कर सकते हो. Make sure उसको रगड़ो मत skin के ऊपर because ऐसे जो actives होते हैं ना ज़्यादा rub नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं से वो खराब हो जाते हैं, अच्छे से work नहीं करते skin के ऊपर. So अच्छे से dab dab करके आप लगा सकते हो. I would advise हल्की किसी डैम स्किन के ऊपर लगाना बिकॉज इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को जब मैं स्टडी कर रही थी ना, सबसे नीचे मुझे सोडियम हाइलुरोनेट भी दिखा जो आई थिंक हाइलुरोनिक एसिड सॉर्ट ऑफ ई एक वर्क करता है स्किन के ऊपर. तो हल्का सा डैम स्किन के ऊपर लगाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छा प्लम्प्ड और हाइड्रेशन देगा स्किन को और एक्टिव्स भी बेटर वर्क करते हैं अगर हल्की सी डैम स्किन के ऊपर लगाओगे. लगाने के बाद स्किन में काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, थोड़ी देर बाद ही एकदम सिंक इन हो जाता है स्किन के ऊपर, बिल्कुल भी चिपचिपाहट ऐसा कुछ फील नहीं होती. इसके बाद आप SPF लगा सकते हो अगर आप मॉर्निंग में लगा रहे हो, और अगर आप रात को लगा रहे हो तो इसके ऊपर आप कोई भी स्लीपिंग पैक या फिर लगा के ऐसे भी छोड़ सकते हो बिकॉज एज ए साइड मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है इसका. मैंने ये नोटिस किया है मुझे ओवर स्वेटिंग नहीं हुई इसके बाद बिकॉज जो नायसनमाइड होता है उसकी प्रॉपर्टी यही होती है वो कहीं ना कहीं से जो सीबम प्रोडक्शन होता है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है. सो आप डेफिनेटली इसको डे टाइम में लगा सकते हो. अगर आप कहीं बाहर जाते हो, आप मेकअप करते हो, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती हो तो डेफिनेटली आप इसको अपने बेस पे लगा सकते हो बिकॉज नायसनमाइड उस सीबम को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करके रखेगा, पोर्स पर बहुत अच्छे से वर्क करेगा एंड ओवरऑल जो एक्ने मार्क्स एंड ऑल होते हैं उस पर तो ये वर्क करता ही करता है. अदरवाइज आप इसको रात को भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप नायसिनामाइड दिन में दो बार भी लगा सकते हो बिकॉज ये काफी स्टेबल एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, स्किन पर इतना कुछ हार्श इफेक्ट नहीं देता. अगर आपकी बहुत 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 ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तब मैं कह सकती हूँ कि 10% नायसिनामाइड शायद आपके लिए स्ट्रांग हो सकता है, बट स्टिल आप पैच टेस्ट कर लो तो बेटर रहेगा. मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, मुझे ऐसा कोई इशू नहीं होता. सो मॉर्निंग में, रात को, आप जब लगाना चाहो आप लगा सकते हो. बात करते हैं लेयरिंग की बिकॉज आई नो देयर आर मेनी गर्ल्स आउट देयर, इवन गाइज आउट देयर, लड़के भी स्किन केयर यूज कर लेते हैं. मैं काफी बार गर्ल्स बोल देती हूँ बट यूनिसेक्स होता है, देखो ये प्रोडक्ट लड़के भी यूज कर सकते हैं. सो लेयरिंग की जहां तक बात की जाती है ना, काफी लोगों को पसंद आता है लेयर करना, 2-3 इंग्रेडिएंट्स को मिला के लगाना. यू नो मी, मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं देती बिकॉज वी रियली डोंट नो कि XYZ प्रोडक्ट के अंदर क्या कंसेंट्रेशन है या फिर वो इसके साथ मैच होगा नहीं होगा. काफी लोग कहते हैं विटामिन सी नायसिनामाइड को लेयर नहीं करना चाहिए और मैं भी उसी टीम में हूँ कि नहीं लेयर करना चाहिए बिकॉज वी रियली डोंट नो कि उन दोनों की कंपैटिबिलिटी एक साथ ठीक बैठेगी या फिर नहीं बैठेगी. सो आप अवॉइड ही करो यार, एक सुबह यूज कर लो, एक रात को यूज कर लो एंड यू आर गुड टू गो. फालतू में 2-3 सीरम से लेयर करने की जरूरत नहीं है. हाउएवर इसको आप AHA BHA ट्रीटमेंट के बाद भी यूज कर सकते हो बिकॉज नायसिनामाइड उसमें काफी ज्यादा हेल्प करता है, स्किन बैरियर को रिपेयर करता है ना. तो कहीं ना कहीं से जो AHA BHA केमिकल एक्सफोलिएशन आप करते हो उसके बाद नायसिनामाइड आप इजीली यूज कर सकते हो, कोई भी एसिड रिएक्शन का इशू आपको नहीं होगा. अब बात की जाए रिजल्ट्स की बिकॉज काफी लोगों को सिर्फ इसी में इंटरेस्ट होता है, आप सीधा बताओ वर्क किया नहीं किया. सबसे पहले बात की जाए पोर्स की, आई कैन डेफिनेटली से नायसिनामाइड उस पर वर्क करता ही करता है बिकॉज जब मैं एक्टिवली यूज करती हूँ मैंने खुद देखा है मेरे पोर्स में थोड़ा बहुत फर्क आता है. हाउएवर जैसा कि मैंने कहा, और जिसके एनलार्ज पोर्स होते हैं वो एकदम कोई गायब नहीं हो जाएंगे बिकॉज ये कोई मैजिक नहीं है. सेकेंड अगर बात की जाए सीबम प्रोडक्शन की, डेफिनेटली उस पर वर्क करता है, सीबम को काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखता है. आप इसको डेफिनेटली मॉर्निंग में अपने मेकअप के बेस पर यूज कर सकते हो. इसकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी, जो बाकी मार्केट में नायसिनामाइड जिंक वाले फाउंडेशन आते हैं ना वो कभी कभी स्किन को अजीब सा ड्राई आउट भी कर देते हैं, फिर कुछ फाउंडेशन बेस लगाओ काफी बार क्रैक फील होता है. हाउएवर इसके बाद वो क्रैक नहीं फील होता बिकॉज ये स्किन को हाइड्रेशन और प्लम बहुत अच्छे से बना के रखता है. सो अगर आपकी कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन है ना तो आपके लिए तो और भी अच्छा सीरम हो जाएगा. अब बात की जाए इन्फ्लेमेशन रेडनेस की, डेफिनेटली नायसिनामाइड उस पर वर्क करता है. स्पॉट्स और ब्लेमिशेस की बात की जाए आपको इसको टाइम देना पड़ेगा बिकॉज ये जो प्रोसेस होती है थोड़ी सी लंबी प्रोसेस होती है. मैं नहीं कह रही अभी लगाओगे एकदम गायब हो जाएंगे. विटामिन सी सीरम भी इनका 1-1.5 महीने बाद ही अच्छे से प्रॉपर रिजल्ट दिखाता है. जब मैंने खुद देखा विटामिन सी लगाने के बाद एक्ने मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस आया. सेम इन द केस विद दिस, जब इसको आप रेगुलरली यूज करोगे मैंने खुद थोड़ा बहुत विजिबल डिफरेंस देखा है. जो रेडनेस होती है, जो पैचेस के अंदर रेडनेस होती है वो कहीं ना कहीं से कम होती है एंड इवेंचुअली जो स्पॉट्स होते हैं उस पर भी ये डेफिनेटली वर्क करता है. टॉकिंग अबाउट प्राइस एंड क्वांटिटी, इसका प्राइस है 790 rupees फॉर 30 ml ऑफ प्रोडक्ट और ये अच्छे खासे टाइम के लिए चल जाएगा बिकॉज एक या दो ड्रॉप से आपको चाहिए होता है, ज्यादा भर के आपको लगाने की जरूरत नहीं है. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को ज्यादा एक्सट्रीम में लगाना भी नहीं चाहिए, 2 drops इज मैक्स इनफ फॉर यू. सो 1-1.5 महीने आपका ये आराम से चल जाएगा. 790 का MRP है प्लस कुछ ना कुछ डिस्काउंट जो प्लम का चलता ही रहता है उसके ऊपर आप ना डिस्काउंट कोड भी लगा सकते हो विच इज कशिका 15 फॉर एक्स्ट्रा 15% ऑफ ऑन प्लम गुडनेस ऑफिशियल वेबसाइट. मैं पर्सनली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लेना प्रेफर करती हूँ बिकॉज पॉइंट सिस्टम होते हैं ना, तो जितनी बार लो पॉइंट्स बनते जाते हैं फिर आप उसको रिवॉर्ड के फॉर्म में रिडीम भी कर सकते हो. ऑल्सो यू कैन रिटर्न बैक ऑल योर प्लम MTs, इनका बहुत अच्छा MTs फॉर गुड इनिशिएटिव है जिसके अंदर आप प्लम के जितने प्रोडक्ट्स हैं आपके अगर वो खत्म हो गए हैं आप उनको रिटर्न कर सकते हो इनकी वेबसाइट पर ही जाके और उससे फिर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और फिर आप उसको दोबारा रिडीम करके शॉप
शॉप कर सकते हो. सो ओवरऑल जो ब्रांड की आइडियोलॉजी है ना, इस सेंस में मुझे काफी अच्छी लगती है. दैट इज इट फॉर माय रिव्यू ऑन प्लम गुडनेस नायसिनमाइड सीरम. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर आपने प्रोडक्ट ट्राई किया तो डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सूट किया नहीं किया, आपकी स्किन टाइप के आपके ऊपर वर्क कैसे किया. थोड़ा कॉमेंट सेक्शन को भी थोड़ा अच्छा हेल्दी कॉन्वर्जेशन में टर्न आउट कर दो, ताकि पढ़ने वालों को भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले. सो दैट इज इट फॉर माई टूडेज रिव्यू. गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक नहीं किया. यहाँ तक आ गए हो तो बड़ी बुरी बात है, सब्सक्राइब करो फटाफट से चैनल को. इस प्रोडक्ट का लिंक जो भी डिटेल्स होंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी विद कूपन कोड, सो वो भी आप चेक कर लेना. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट. इंस्टाग्राम के स्टोरीज पर मैं काफी अच्छे अच्छे रिव्यूज क्विक वाले करती रहती हूँ, सो वहाँ पर भी जाके फॉलो कर लेना. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.